खुशामदीद, आपका स्वागत है नए दिन नए रेसिपी के साथ। रमज़ान की मुबारक दिन पे आज मैं जो रेसिपी बनाऊंगी वो बहुत ही टेस्टी और क्रंची रहेगा। उसके लिए मैंने मैदा लिया है, एक कटोरा मैदा को मैंने छान के रखी है। इसे मैं नमक और ये कलौंजी है, नमक अपना टेस्ट के हिसाब से डालें, कलौंजी हाफ चम्मच है, और इसमें घी मैं डालूंगी, एक चम्मच भर के घी ऐड करूंगी। आप मांगता वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब को मैं अच्छा से मिक्स करके मैं इसका एक डो बना दूंगी, जैसा हम जैसे पूरी का बनाते हैं रोटी का बनाते हैं उसी तरह, एकदम सॉफ्ट नहीं रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अब मैं इसका डो रेडी कर दूंगी। अब मैंने मैदा को गूंद के रख दी है, अब इसे रेस्ट होने देंगी मैं 10 मिनट तक। इसके अंदर फिलिंग बनाने के लिए मैंने चिकन का छोटा छोटा पीस कट करके रखी है। आप इसका जगह आलू भी डाल सकते हैं। चिकन का मैंने पीस करके रखी है, एक बड़ा प्याज है, इसे बहुत ही मैंने चॉप बारीक चॉप करके रखी है, एक हरा मिर्ची है और धनिया पत्ती है, और मसाला में मिर्ची पाउडर हाफ चम्मच, ये चाट मसाला, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। पैन हमारा गरम हो गया है, मैंने वेजिटेबल तेल यूज़ करी है। अब मैं इसमें जो प्याज बारीक काट के रखी थी उसे ऐड कर दूँगी, इसी के साथ जो हरा मिर्ची है वो भी मैं डाल दूँगी। जाल सब अपने हिसाब से आप डालें। इसमें प्याज हमारा एकदम लाल नहीं करेंगे, खाली सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। उसी में अदरक लहसुन का पेस्ट है, आप कट करके भी डाल सकते हैं, एक चम्मच मैंने ऐड करी है। अब इसे अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। अब जो मसाला रखी थी मैं वो सब मसाला को इसमें ऐड कर दूँगी, सिर्फ अदरक लहसुन का स्मेल जाने तक ही हमें फ्राई करना है। अब इसी में मैंने जो चिकन रखी है वो चिकन को डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी, मसाला के साथ ही ये फ्राई हो जाएगा। ये पकने में ज़्यादा देर नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे पीस मैंने कट करके रखी है। 6 से 7 मिनट हो गया है, इसे मैंने ढक के फ्राई करी थी। अब इसका पानी सब एकदम सूख गया है, चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। उसके बाद मैंने सोया सॉस लिया है थोड़ा, एक चम्मच, टमाटो सॉस भी एक चम्मच है, ये भी ऐड कर देंगे। मैंने धनिया पत्ती रखी थी वो भी ऐड करके, अब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने के बाद, फिर मैं ठंडा होने के बाद फिर मैं इसे बनाऊंगी। अब जो आटा गूंदा वाला मेरा 10 मिनट हो गया है, अब मैं इसके छोटे छोटे जितना हिसाब से बनाना है उतने हिसाब से मैं कट करूँगी। उसके बाद मैं इसे बड़ा से बेलूँगी इसको मैं। अब मैंने इसे अच्छे से पतला से रख के इसे बेल दी है, एकदम पतला बेलना हमें इसे। अब मैं साइड के इसे इधर गए सब कट कर दूंगी, हमें चार कोना टाइप में चाहिए। अब मैंने इसे कट कर दी है, अब मैं इसे कैसे फिलिंग करूंगी मैं वो बताऊंगी। अब मैं चिकन का जो फिलिंग बनाई थी ज़्यादा नहीं है, एक चम्मच इसमें शुरू में रखेंगे हम सामने में। अब मैं इसे रोल करूँगी, रोल करके लास्ट मिला के मैं थोड़ा सा पानी इसमें से लगा के मैं इसे बंद करूँगी। इसी तरह करके बाकी सब बना के मैं तैयार करूँगी। मैंने सब तैयारी करके रखी है, मैंने वो साइड में भी थोड़ा पानी लगा के सब चिपका दिए, दबा दिए। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं एक ही उसमें ऐड करूँगी। गैस को मीडियम कर देंगे एकदम, अंदर का फीलिंग अच्छे से पका है। अब गैस को मैंने मीडियम रख के दोनों साइड मैंने अच्छे से लाल करके पका दिए। अब मैं इसे निकाल लूँगी, इसी तरह बाकी सब फिर तैयारी करके दिखाऊंगी। अब हमारा मिनी चिकन रोल बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी है, एक बार बना के इसे ज़रूर देखिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करिए। थैंक यू।